चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं घी का बचा हुआ फूलचंद से मिठाई बनाने जा रही हूँ। वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक बार आप बनाइएगा तो आपको बार बार मन करेगा बनाने का। चलिए मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने कढ़ाई से घी निकाल लिया है। अब ये जो बचा हुआ खुरचन है, इसी से हम मिठाई बनाकर आपको दिखाते हैं। गैस को हम ऑन कर लेते हैं। अब इसमें हम 4 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से आप मिला लीजिए। ऐसे मिलाते हुए ही आपको पकाना है। गैस को मीडियम ही रखिए। इसे जब तक मिलाना है तब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए इसमें, तब तक आप इस तरह ही मिलाते हुए इसे पकाते रहें। अगर चीनी नहीं घुल रही है इसमें तो आप 1/2 कटोरी फुल क्रीम दूध इसमें डाल दीजिए। और इसे आप धीरे धीरे कर चलाते रहें। ये देखिए, कूटी हुई इलायची हमने 1 डाले है इसमें। आपके पास पाउडर है तो आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और इसे आप अच्छे से मिलाते रहें। इसे आप मिलाते रहें जब तक आपका दूध हल्का सूख ना जाए। ये देखिए, ये हो गया है। अब इसमें हम कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट डालते हैं। अगर आपके पास नारियल का पाउडर है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम गैस को बंद करते हैं और 1 प्लेट में घी लगाकर उस प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने प्लेट में घी अच्छे से लगा दिए हैं। अब मैं इसे इसमें निकाल लेती हूँ। हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दे रहे हैं। ये देखिए, ये सेट हो गया है। अब मैं इसे काट करके सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, खुरचन से बना हुआ मिठाई तैयार हो गया। बहुत ही कम सामग्री में ये बनकर तैयार हो जाता है। जब भी आपको मीठा मन करे खाने को तो आप ये मिठाई बनाकर खा सकते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।